मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सब लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो में हम बाइबल के जरिए जानेंगे प्रॉमिसेस के बारे में। प्रॉमिसेस, इसको हिंदी में वादा या संकल्प कहते हैं। साधारण भाषा में इसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पर भरोसा करने के लिए कहता है। इससे सामने वाले व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आता है। यह संबंधों को मजबूत और स्थिर बनाता है। इसके बाद जब व्यक्ति अपने किए गए वादे को निभाता है तो अपने शब्दों के इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है और अपने हाई मोरालिटी, उच्चतम नैतिक मूल्यों को प्रकट करता है। तो अब हम बाइबल के 5 वचनों से जानते हैं कि बाइबल में इन प्रॉमिसेस के बारे में, इन वादों के बारे में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिनती की पुस्तक के चैप्टर 23 के वर्स 19 में यहाँ लिखा हुआ है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे या वह वचन देकर वह पूरा ना करे। देखिए, इस वचन का मतलब साफ है कि ईश्वर ना तो मनुष्य की तरह है जो झूठ बोलते हैं और ना वह ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इच्छा टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। ये सब जो बिहेवियर है ये किस में पाया जाता है? ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। ये हम लोगों में पाया जाता है कि हम लोग अपनी बात को याद ही नहीं रखते। अभी कुछ बोलते हैं, बाद में कुछ देर के बाद उस बात को भूल जाते हैं। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वह जो कुछ कहता है उसे पूरा जरूर करता है। और जो यह वचन जो एक बार ईश्वर ने हम लोगों को दे दिया, वह उसे जरूर से जरूर पूरा करेगा। तो हमारा जो ईश्वर है वह पूरी तरीके से सत्य और स्थिरता का प्रतीक है। उनके दिए वचन पर विश्वास करने से हमें पूर्ण आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मिलता है। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमेशा हमारे साथ कमिटेड रहते हैं। अब हम अगले वचन को देखते हैं जो है याकूब के चैप्टर 5 के वर्स 12 में यहाँ लिखा हुआ है, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की और न किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। देखिए, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने वचनों को पक्का और दृढ़ रखें, मजबूत रखें, सत्य रखें। वह कहते हैं कि शपथ खाने की आवश्यकता नहीं है, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी अन्य वस्तु की, बल्कि वे कहते हैं कि अपनी बातचीत को सत्य और निष्ठा से निभाओ, हाँ की हाँ कहो या फिर ना की ना। वह कहते हैं कि यही सबसे उच्च और सुरक्षित मार्ग है जिससे तुम लोग दंडों से बच सकोगे। इसके बाद हम अगले वचन को देखते हैं जो है पहला योहन्ना के पुस्तक के चैप्टर 1 के वर्स 9 में यहाँ लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए, ये वचन हमें बताता है कि अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में हेल्प करेंगे। यह वचन ये भी बताता है कि हमें अपने पापों को स्वीकार करके ईश्वर की क्षमा और सुधार की आशा में विश्वास करना चाहिए। इसके बाद हम अगले वचन की ओर जाते हैं जो है व्यवस्था विवरण के चैप्टर 5 के वर्स 5 में यहाँ लिखा हुआ है, मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। दोस्तों, इस वचन का मतलब यह है कि वादा करना और उसे पूरा नहीं कर पाने से ज़्यादा बेहतर है कि कोई वादा हम करें ही नहीं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कैसा लगे कि अगर हम लोग कहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपकी गाड़ी ख़राब है, आपने किसी को कहा कि कोई भी दोस्त हो या रिलेटिव हो जो आपके करीब हो, आपने उसको कहा कि भाई मेरी गाड़ी ख़राब है, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, और अगला जो भी शख्स जिसको आपने कहा वो बोले कि ठीक है मैं आता हूँ, और थोड़ी देर के बाद वो आए ही नहीं,
ये किसी भी मामले में हो सकता है, आप इसको फील करके देख सकते हैं, उस स्थिति में आप फील करें कि आपको कैसा लगेगा। इसीलिए जो है यह वचन व्यक्ति को वादा करने और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी का महत्व बताता है, इसके इम्पोर्टेंस को बताता है कि आपके बात का क्या वैल्यू है। अगर हम किसी को कुछ वादा करते हैं तो उसे हमें सच्चाई पूर्वक पूरे ऑनेस्टी के साथ पूरा करना चाहिए। यह हमारे वचनों की मान्यता और अपने जो काम है उसको ईमानदारी से हम लोग उसको करते हैं ऐसा दिखाता है। इसके बाद हम अगले चैप्टर को देखते हैं जो है लय व्यवस्था के अध्याय 5 के वर्स 4 में। यहाँ लिखा हुआ है, और यदि कोई बुरा व भला करने की बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात हुआ बिना सोचे समझे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बाइबल का यह वचन हमें बताता है कि यदि कोई अनजाने में किसी काम करने के लिए वादा करता है और उस व्यक्ति को बाद में पता चलता है कि वो काम गलत है, तो ऐसी स्थिति को आने से पहले ज़्यादा अच्छा है कि ऐसा कोई कमिटमेंट पहले किया ही नहीं जाए। सबसे पहले देख लिया जाए कि वो जो कमिटमेंट करने जा रहे हैं, वह जो वादा करने जा रहे हैं, वह काम अच्छा भी है या बुरा नहीं, ताकि किसी भी प्रकार के दंड से हम लोग बच सके। खास करके यह वचन उन स्थितियों के बारे में आदेश देता है कि जहां हम किसी अनजाने या अचेतन में कोई वादा अगर कर देते हैं अच्छा बुरा बिना सोचे समझे, और बाद में इस बात के बारे में पता चलता है और अपनी गलती को एहसास होता है, तो फिर इसकी जिम्मेवारी आप पे ही बनेगी, क्योंकि आपने सामने वाले व्यक्ति को बिना सोचे समझे कमिटमेंट किया है। तो यह वचन हमें किसी भी प्रकार के कमिटमेंट में सतर्क रहने के इम्पोर्टेंस पर जोर देता है, साथ ही अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है कि आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप किसी को कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं। तो भाइयों, बाइबल में वादों के बारे में जो संदेश है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह हमें सिखाते हैं कि वादों को स्थिरता और पूर्णता के साथ हमें पूरा करना चाहिए। बाइबल में वादों को जो हम लोग कमिटमेंट करते हैं उसको पालन करने और उसमें पूरे अपने वचनबद्धता से निष्ठापूर्वक रहने और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने की प्रेरणा दी जाती है। इसके माध्यम से हम अपने वादों को सत्य, उच्चता और प्रेम के साथ पालन करने के लिए अपने और दूसरों के जीवन में स्टेबिलिटी और उसके मॉरल डेवलपमेंट में विकास की बात हम करते हैं, उसके विषय इस विषय को बढ़ाते हैं। तो भाइयों, इस वीडियो के लिए इतना ही। परमेश्वर की महिमा हो इन वचनों के जरिए। आमीन।